खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। परोपकार और जन सेवा की भावना बाल्यकाल से ही रखने वाले एक ऐसे समाज सेवी डॉक्टर राजेश गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता एवं डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि रह चुके हैं। आइए देखते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात में उन्होंने क्या कहा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ पूजा की रिपोर्ट। आइए मिलते हैं कांग्रेस के बड़े नेता और डिप्टी मेयर के प्रत्याशी रह चुके डॉक्टर राजेश गुप्ता जी से। नमस्कार सर। सर, आपके द्वारा पूरे झारखंड और रांची में जो भोजन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि आई होप कि आपको इंचार्ज बनाया गया है इसके लिए। ये कोरोना लॉकडाउन जब हुई और ये वैश्विक महामारी के कारण हमारे राज्य के लोग भी उससे ग्रसित हो गए थे, और हमने देखा चूँकि ये वेलफेयर राज्य है और यहाँ पर गरीबी, आप यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको भाषा भी बदल जाएगा और रहन सहन भी बदल जाएगा। तो हमने डे वन से अपने साथियों के साथ इस शहर पे भोजन खिलाने का कार्य चालू किया, और जो रोड पे सोते हैं, जिनका घर नहीं है, जिनका सर के ऊपर छत नहीं है, कोई नहीं है, कहाँ से आए पता नहीं, ऐसे लोग रातू रोड दुर्गा मंदिर से लेकर ओवर ब्रिज के नीचे तक में लगभग 943-944 लोग जो हमें रोड के दहीने बाएं ओर सोए हुए मिले थे फर्स्ट डे, उन लोगों को मैंने खाना खिलाया था। और लगातार मैं उस समय से कंटिन्यू 2 टाइम खाना खिलाना चालू किया, दोपहर का और रात का, और करते 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 फिर आप देखेंगे कि बहुत। सर, लॉकडाउन के पहले दिन या दूसरे दिन से आपके घर? लॉकडाउन के पहले दिन समय चल रहा था और ये लगातार चलता रहा। फिर मेरे 3-4 दिन होने के बाद स्वतः इस शहर के जो सम्भ्रांत लोग हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, और जिनको ये रांची शहर से बहुत ही प्यार है, मैं खुद करता हूँ इस रांची की जनता से प्यार, यहाँ की मिट्टी से प्यार करता हूँ, यहाँ के खुशबू से प्यार करता हूँ। कुछ मेंबर के मार्फत हम लोगों ने पूरे राज्य के जहाँ से फ़ोन आ रही है, आप देखते हो कंटिन्यू मेरे फ़ोन बज रहे हैं, कोई प्रखंड है, कोई पंचायत है, तो वहाँ के CEO, BDO या मार्केटिंग ऑफिसर संपर्क करके वहाँ पे खाद्यान्न दिलाने का काम कर रहे हैं। जो दुकानदार का सामान कुछ कम देते थे अनाज, उनको हम लोगों ने थ्रेड किया, तो लगातार सारे लोगों को वहाँ पे सामान मिल रही है। तो ये एक अच्छी पहल है, चूँकि अभी देश और ये राज्य ऐसी विपत्ति से गुजर रही है कि सारे लोगों को, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, किसी भी भाषा भाषी के हों, किसी प्रकार उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो, मैं सबसे आग्रह करूंगा आपके 365 खबर के मार्फत कि निश्चित तौर पर मानवता तभी जिंदा रहेगी, मानव सेवा तभी सेवा कहलाएगी, चूँकि भगवान ने, ऊपर वाले ने हम लोगों को मानव बना के भेजा है। तो हमारे समाज में, हमारे परिवार से खुद जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी रह गए हैं, नाना जो रहे थे, उन लोगों ने बोलते थे कि मानव का सेवा करना, लोगों को मदद करना, तो ये संस्कार घर से मिला है जो समाज में आज करने को मौका मिला था, और पहले भी हम लोग इस प्रकार के सामाजिक कार्य करते रहे हैं। और मैं आग्रह करूँगा कि सब लोग इस विकट समय से लड़ कर के कोरोना से लड़ना है, और निश्चित तौर पर मेरे पास औजार है, औजार पूरे विश्व के पास है, कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, अपने घरों पे रहें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं, बिना मतलब का कहीं आप घूमना छोड़ दें, तो औजार हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, तो कोरोना को निश्चित परास्त करेगी झारखंड की जनता। आपको इसके लिए राज्य सरकार से भी कुछ हेल्प मिल रही है सर? सरकार हमारी है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं सरकार के अलावा, सरकार अन्न दे रही है पूरे राज्य को, जनता को, जिनका कार्ड नहीं है उनको भी 10 KG चावल देने का व्यवस्था रखा है उन लोगों ने, और जो भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, या व्यक्ति का जो प्यार है समाज से, मानव जीवन से, वो लोग खुलकर काम कर रहे हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में देखेंगे, तो ये एक अच्छी पहल है। और भारत एक ऐसी देश है कि इस देश में विभिन्न भाषा भाषी के लोग रहते हुए, हमें लगता है 6400 कुछ भाषा भाषी के लोग इस देश में रहते हैं, फिर भी एक है, आज सबके जुबान पे है कोरोना को हराना है, और हराने के लिए हमारे पास औजार, मैंने शस्त्र बता दिया है कि आप घर पे रहें,
डिस्टेंस बना के रहें, और जो नीडी लोग जिसका खुद का कुछ नहीं है, जिसको कुछ नहीं मिलता, वैसे लोगों को आप निश्चित मदद करें। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने कहा, ये थे हमारे श्री राजेश गुप्ता जी। मैं रुचि शर्मा, खबर 365 न्यूज की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद।